दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि पीएम मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच करवाएं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों एम्पायर की बेईमानी के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को मिली वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में हार, कई दिग्गजों ने पीएम मोदी को भेजे बेईमानी के सबूत। तो मोदी जी ने खुद आईसीसी से करी दोबारा मैच कराने की मांग और जो तारीख बताई वो सुनकर पूरा भारत देश हो उठा खुश। तो दोस्तों आखिरकार भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच दोबारा कराने पर क्या बोले पीएम मोदी, वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि इस मुकाबले में हमारी टीम इंडिया को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ेगा और विश्व कप हमारे हाथ से निकल जाएगा। हुआ ये कि कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में टॉस नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी उनकी मन पसंदीदा इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प उनको मिला। और दोस्तों यहाँ पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए। और इस बीच रोहित शर्मा ने 47 तो विराट कोहली ने 54 तो वहीं केएल राहुल ने 66 रन की पारी खेली। बाकी कोई भी बल्लेबाज भारत के लिए 20 से ज्यादा रन भी बना नहीं पाया। अब जब बल्लेबाजी भारत की अच्छी नहीं रही तो गेंदबाजी का भी सही होना लाजमी था नहीं, क्योंकि दोस्तों डेविड वार्नर, मिचेल मार्स और स्टीव स्मिथ के रूप में तीन बड़े झटके ऑस्ट्रेलिया को 47 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे। और ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में भारत ने लगभग वापसी कर ली है और ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन का विकेट और मिल जाए तो भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को आसानी से जीत जाए। लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड 137 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने तो वहीं मार्नस लाबुशेन ने 58 रन जड़ डाले, जिसके चलते भारतीय टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आई और इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को हार का सामना करना पड़ा और वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की ट्रॉफी भी भारत के हाथ से छिन गई। और दोस्तों इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम की कई बेईमानियां सामने आई। जन ट्रेविस हेड ने जो रोहित शर्मा का कैच लपका था वो तो एक बड़ा बेईमानी का पल था, जिसके चलते भारतीय टीम के रन कम बन पाए। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने मार्नस लाबुशेन को भी काफी शुरुआत में ही आउट कर दिया था, लेकिन एम्पायर्स कॉल की वजह से मार्नस लाबुशेन भी बच गए और एम्पायर ने पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम का इस मैच में साथ निभाया, जिसके चलते बेईमानी की वजह से भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी। लेकिन अब इन सभी हार के सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद बताया है कि आखिरकार वो अब वर्ल्ड कप का फाइनल मैच दोबारा करवाने के लिए आईसीसी से अपील करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर पीएम मोदी को जब बेईमानी के सबूत दिखाए गए तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मुझे काफी अफसोस हुआ कि फाइनल जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया जैसा अच्छा देश भी बेईमानी करके मैचेस को जीत सकता है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में भी बेईमानियां होती होंगी, लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे सब पता चल चुका है कि जो टीमें फाइनल तक पहुंचती हैं वो एक टीम होती है जो कि मेहनत करके पहुंचती है, तो दूसरी टीम बेईमानियों के सहारे फाइनल भी जीत कर ले जाती है। और ऑस्ट्रेलिया की यह हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं आईसीसी से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को दोबारा से करवाए, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच एकदम फेयर तरीके से होना चाहिए। इस मैच के लिए दोनों टीमों ने काफी मेहनत की है और आखिर एम्पायर की बेईमानी के चलते एक मुकाबला टीम हार जाए जो कि वेल डिजर्विंग है, ऐसा हो नहीं सकता। हम भारत के लिए लड़ेंगे और टीम इंडिया के लिए यह मैच दोबारा करवाएंगे, क्योंकि फाइनल मुकाबला करवा कर हमें ये फैसला नहीं करना है कि टीम इंडिया विजेता बनेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एकदम साफ तौर पर बिना बेईमानी के मैच कराने का हमारा मकसद है। हम अपनी टीम के लिए कुछ भी करेंगे, रोहित कोहली आप चिंता मत कीजिए। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि इस मुकाबले को इस नवंबर के महीने के अंत से पहले करवा दें और यही कोशिश रहेगी कि 25 नवंबर तक यह मैच खेला जाए। तो दोस्तों यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐलान करके लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया है। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि पीएम मोदी जी ने जो कहा है वो सही है? क्या उनको दोबारा से फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच करवा देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।